रिमोट ना घुमला हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड अपनी लाइफ में एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि यार जो काम मैं बहुत दिनों से करना चाह रहा था फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो करते हैं शुरू और आपको आगे बताते हैं कि वो क्या काम था। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी कुछ बर्ड्स परचेज कर लूँ अपने घर के लिए और उनके लिए एक छोटी सी एवेरी बना लूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कल एक पेयर कॉकटेल और दो पेयर बजीज परचेज़ किए हैं और आज मैं उन्हें उधर एवेरी में शिफ्ट करने वाला हूं क्योंकि हम मेरी एवेरी भी अब कंप्लीट हो चुकी है। एवेरी तो क्या मतलब, छोटी ही जगह सी है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत कुछ सेट सूट करके उसे बनाई है। चलो अभी नहीं लेके चलते हैं बाहर, ये चेक करो, थोड़ा परेशान कर रहे हैं। इन्हें मैं लेके नहीं जाऊँगा, इन्हें मैं यहीं रखूँगा। तो चलिए इन्हें लेके चलते हैं एवेरी की ओर। तो देखिए कितना अभी इधर उधर उड़ रहे हैं। मैंने पीछे बनाई है एवरी जहाँ में हम अपने भैंस भूस को बांधते हैं, उस जगह बनाई है थोड़ी सी। देखिए आपको अभी तो यार ये हमारी एक छोटी सी एवेरी और अब इन बर्ड्स को इसमें छोड़ते हैं और इनका रिएक्शन देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहता है इसमें छोड़ने के बाद। तो फ्रेंड्स, इन्हें एक एक करके पकड़ते हैं और एवेरी में छोड़ना शुरू करते हैं। बजीज को तो हमने अंदर डाल दिया है, अब बारी आती है इन कॉकटेल की। ये कॉकटेल थोड़ा परेशान करेंगे क्योंकि ये मेरे से डरते हैं अभी और ये बाइट भी करते हैं, इसीलिए मैंने हाथों में ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि ये बाइट ना कर पाएँ। तो चलिए इन्हें फटाफट पकड़ते हैं और अंदर शिफ्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि मेरी एवेरी कैसी है। बाहर से तो दिख नहीं रही होगी क्योंकि मैंने इस पर जालियाँ लगा रखी है ताकि बजीज़ बाहर ना निकल जाए। कॉकटेल के लिए तो वो बड़ी जाली ठीक थी बट बजीज़ उन जालियों से बाहर निकल जाती, इसलिए मैंने बारीक जाली भी लगा दी है बाहर और इससे क्लियर अंदर कुछ भी नहीं दिखता। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊँगा कि मेरी एवेरी अंदर से कैसी है। तो इन्हें फटाफट पकड़ते हैं और इन्हें अंदर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने अपने बर्ड्स को अंदर शिफ्ट कर दिया है और ये देखिए हमारे कॉकटेल ऊपर बैठे हैं और बजीज़ नीचे बैठे हैं। तो कॉकटेल तो ऊपर बैठ गए हैं पर बजीज़ को भी पता नहीं है कि कहाँ बैठना है क्योंकि यार ये मार्केट में तो एक छोटी सी केज में थे और यहाँ आके इन्हें थोड़ी बड़ी जगह मिली है, इसीलिए कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कहाँ जाएँ। और मैंने इनके लिए मटकियाँ भी लगा दिया है क्योंकि जो ये मेरे बजीज़ हैं, ये ब्रीडिंग पेयर है, वो जहाँ से मैं लेके आया हूँ वो भैया बता रहे थे कि ये ब्रीडिंग पेयर है, इसलिए घर जाते ही इनके लिए मटकियाँ लगा देना। तो मैंने इनके लिए तीन मटकियाँ लगा दी है, दो पेयर हैं और कॉकटेल अभी मेरे सात आठ महीने के हैं, ये तो अभी बच्चे ही हैं इसलिए। और कॉकटेल को भी मैंने इनके साथ ही रखा है और जो मेरे जैक एंड स्पैरो है मैं अंदर अपने पास ही रखता हूँ क्योंकि यार वो तो मेरे बजीज को ऊपर बिठाने की कोशिश करते हैं स्टिक्स पे, पर इन्हें अभी पता ही नहीं लग रहा, ये मेरे से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और इधर उधर उड़ रहे हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ ताकि ये थोड़ा ऊपर उड़ जाएं और वहाँ आराम से अपनी स्टिक पे बैठ जाएं। ये देखिए इधर से उधर भाग रहे हैं।
फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि आपको हम मेरी आइवरी कैसी लगी। और अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, ब्रीडिंग देते हैं या नहीं देते हैं। मुझे तो लगता है तो यार फाइनली हमारी बजीज भी अब ऊपर स्टिक पे बैठ चुकी है और जो कॉकटेल वो जाके जालियों पे चिपक चुके हैं क्योंकि वो मेरे से डर रहे हैं। मैं अंदर आया हुआ हूँ एवरी के, वो देखिए कॉकटेल उस साइड ऊपर चिपक चुके हैं और मैंने इनके लिए मिक्स सीड्स और पानी भी डाल दिया है। और अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है इनका बजीज की ब्रीडिंग का। और एक तो आप अंदर से एवरी देख सकते हैं कि कैसी लग रही है मेरी एवरी। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वो काम जो मैं बहुत दिनों से करने की सोच रहा था और अब फाइनली जाके कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हाँ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को करते हैं यहीं एंड और मैं आपको आगे से एवरी का अपडेट देता रहूँगा।